हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस फिटनेस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी आज की एक्सरसाइज है जिसका हम ट्यूटोरियल शूट करने वाले हैं वो है बार डिप्स। तो इसका सही तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं बार डिप्स। इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपकी बार है उसके ऊपर हैंड की जो पकड़ है वो इस तरीके से होगी जैसे कि मैंने आपको हर बार बोला है हर वीडियो के अंदर कि जो ग्राउंड की जो पकड़ होती है वो हमेशा अंगूठे को बाहर निकाल के इस तरीके से होती है, कभी भी इस तरीके से नहीं होती है। तो इस तरीके से पकड़ करेंगे। तो किस तरीके से फ्रेंड्स, देखिए पाँव को ऊपर उठाएंगे, बॉडी को बिल्कुल चेस्ट के आगे की तरफ निकाल के रखेंगे। अब धीरे से अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी टेक्निक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर जिन जिन मसल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या जो जो मसल इसके अंदर डेवलप होती है उनकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपका जो शोल्डर है, जो आपकी बैक है और आपकी जो चेस्ट है और आपकी पूरी जो हैंड की मसल है, ये तीनों की तीनों मसल अच्छे से डेवलप होंगी, आपको इनमें फ़र्क देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो दोबारा से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। हमेशा इस तरीके से होल्ड करना है, पाँव को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे से अप डाउन फ्रेंड्स। इसको जितना स्लो करेंगे उतना भी आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि फ्रेंड्स मसल की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए आप किसी भी एक्सरसाइज को जितना धीरे से करते हैं, जितना धीमी गति से करते हैं, उतना ही अच्छे से वो मसल डेवलप होती है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ऐसे थोड़ी देर रोकेंगे, फिर अब थोड़ी देर रोकेंगे, फिर अब। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा ट्यूटोरियल बार डिप्स का। तो फ्रेंड्स देखते रहिए पीएस फिटनेस।